हेलो एवरीवन, आई एम अनु पोरवार। अभी ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग AIB का एग्ज़ाम हुआ था 24 जनवरी को। तो इसमें काफ़ी क्वेरीज आ रही है कि मतलब बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे अभी नया शेड्यूल AIB 16 ने नया शेड्यूल मतलब AIB 16 अभी अप्रैल में होने वाला था एग्ज़ाम, वो उसकी डेट पोस्टपोन हो गई थी। किस वजह से पोस्टपोन हुई? क्योंकि 15 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। लास्ट वीक AIB 15 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब जब AIB 15 एग्जामिनेशन में लगभग 1,20,000 एडवोकेट्स मतलब स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया था, ऐसा ऑफिशियली मतलब बताया गया है कि 1,20,000 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठे थे। अब इतने सारे बच्चे बैठे थे एग्ज़ाम में, तो अभी क्या हुआ कि रिजल्ट में कुछ क्वेरीज आ रही। जैसे बहुत अभी कोरोना की वजह से मतलब 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हुए थे, तो उसमें जब स्टार्टिंग में जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए थे उसके बाद डेट आगे बढ़ गई, फिर पोस्टपोन हो गई एग्ज़ाम और फिर डेट आगे बढ़ाई गई, फिर वापस फॉर्म स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या काफ़ी सारे बच्चे आगे पीछे। अब जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भरे थे उनका रिजल्ट तो अच्छे से डिक्लेयर हो गया है कि पास फेल उनका शो हो गया, लेकिन जो बाद में जिन्होंने डेट बढ़ने के बाद एंड मोमेंट पे जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनके एग्ज़ाम मतलब उनके रिजल्ट में कुछ क्वेरीज आ रही, और उन्होंने ऐसा बोला है कि आप उस रिजल्ट की कोई टेंशन ना लो, वो 7 से 10 दिन में आपको SMS, ईमेल और नोटिफिकेशन जिस भी जरिए से आपको बता देंगे। तो अब जो बच्चे 15 में पास नहीं हुए, जिनका क्लियरली फेल आया या जो भी, और अगर वो वापस से ये 16 का एग्ज़ाम में क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नया शेड्यूल आ गया है कि AIB 16 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके थे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है 30 अप्रैल। अभी पहले मार्च में इसको क्लोज कर दिया था, उसके बाद जब 15 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो इन्होंने वापस से डेट आगे बढ़ा दी। अब डेट क्या हो गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की? 30 अप्रैल 2021। जिन बच्चों का एनरोलमेंट नंबर नहीं आया, क्योंकि बिना एनरोलमेंट नंबर के आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, तो सबसे पहले आपको बार काउंसिलिंग से एक फॉर्म मंगाना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए। वो एनरोलमेंट आपको जारी करेगा, उसी के बाद आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। तो जिनका रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश उस डेट में नहीं आ पाया था दिसंबर या जनवरी में, तो अगर अब आ गया है तो आप अभी 30 अप्रैल से पहले पहले उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फॉर पेमेंट 4 मई, इसकी लास्ट डेट है। हमेशा रजिस्ट्रेशन डेट के बाद पेमेंट की डेट थोड़ी आगे ही होती है, और एडमिट कार्ड इसके रिलीज हो जाएंगे 12 मई 2021, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसकी एग्ज़ाम होगी 30 मई 2021, मतलब काफ़ी आपके पास समय है अप्रैल मई, उसके बाद एग्जामिनेशन 30 मई को हो जाएगा। और ये रिजल्ट का जिसका भी क्वेरीज हो रही है कि 7 से 10 दिन तक आप इसका वेट कीजिए, आपको SMS ईमेल के थ्रू उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। और AIB 16 में तो नो बुक्स अलाउ नहीं है, 15 में तो फिर भी बच्चे बुक्स वगैरह ले गए थे, आप इसमें ओनली बैर एक्ट ले जा सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएगा, और जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस टाइप की धारा से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि कौन कौन से केस आ रहे हैं इम्पोर्टेंट। तो मेन आपको तैयारी करने का सबसे बेस्ट है एक तो प्रीवियस पेपर लगा लो, जितने भी आपके पास अवेलेबल हो, है ना, 2008 से लेके अभी 2020 तक के पेपर मिल जाएंगे आपको बाय यूट्यूब या क्वेश्चन पेपर, या AIB की बुक्स भी आती है, तो AIB एग्ज़ाम की प्रीवियस पेपर की बुक्स उससे भी तैयारी कर सकते हैं, वेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले सेक्शन याद कर लो, और केस, इम्पोर्टेंट केस, है ना, इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि बुक्स तो अलाउ नहीं है। बेयर एक्ट आप ले जा सकते हो, लेकिन कई बार एक तो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि बेयर एक्ट में ढूंढने में भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप खुद सेल्फ पढ़ें, सेल्फ आपको याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है
कि आपको याद होते हुए भी अपन ये सोचते हैं अगर आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ा है एग्जाम में पेपर में पढ़ा, लेकिन बुक्स होती है तो अपन क्या सोचते हैं अपने याद होते हुए अपने डाटो नहीं आ रहे, एक बार किताब खोल के मैं देख लूँ यार ये सेक्शन सही है कि नहीं। हालांकि आपको वो सेक्शन याद है, जैसे मान लो दहेज की, दहेज के लिए जो सेक्शन है 304B है, अब ये मेरे को याद है लेकिन मैं किताब लेके गई तो फिर मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार मैं खोल के चेक कर लूँ यार कि बी है कि ए, तो वह आपके 5-10 मिनट 15 मिनट फोकट के खराब हो गए, ये से समय खराब हो जाता, जिससे समय भी कम पड़ जाता और हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। कई बार बच्चे ऐसे ही होता है किताबों में लगे रहते हैं और एंड मोमेंट तक 40 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से इस AIIMS एग्जाम में भी बच्चे कई बार फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और ये इसकी 16 की तैयारी कीजिए है ना, और इसके प्रीवियस पेपर होगा तो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है, ओके।